मैंने फिलहाल उसके अंदर तेल डाली है, पहले मेरे पास था ना भाभी का तवा, मैं उसके अंदर बनाती थी, अब भाभी का तवा भिजवा दी, उनको भी जरूरत है रमजान शरीफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तो बस ये एक साइड होगी, दूसरी साइड करती हूँ। तो फिर मैं ना आपको पता है यहाँ पे स्टैंड लगा के भी इतनी ज़बरदस्त वीडियो नहीं बन रही। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसी मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मैं हूँ सिया व्लॉग्स, अल्लाह के करम से और आप सबके दुआओं से मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज यहाँ पे चल रही है जी मेरे सातवें रोज़ की अफ्तारी की तैयारी, रमजान शरीफ के पहले अशरे का सातवां रोज़ा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की अफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक हम सबके रोज़े नमाज़े कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं यहाँ पे आपके साथ जो शेयर करने वाली, मैं बना रही हूँ यहाँ पे चने की दाल घिया कद्दू, ठीक है, मैंने बॉयल करके रख ली हुई है क्योंकि चने की दाल आपको पता टाइम लेती है, और तब तक मैंने कहा यहाँ पर तड़का तैयार हो जाता है, फिर ये देखिए कद्दू ऐड कर देते, थोड़े से कद्दू बना ले, थोड़े से कद्दू पक जाए ना तो फिर हम इसके अंदर दाल को ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब माशाल्लाह हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह, उन्होंने इस सब्ज़ी को खाया हुआ, बहुत शौक से खाते थे वो, तो हमें क्यों ना इससे फ़ायदा होगा, हमें साफ ज़ाहिर इसमें शफा ही शफा है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल इसके नज़दीक जाते ही नहीं, खाते ही नहीं, क्या करें बच्चों का, लेकिन चलो हम तो खा सकते हैं ना। इसे आज इसकी रेसिपी बना रही हूँ, और मैं चने की दाल में और मैंने इनमें क्या डाला है, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा वही जो नॉर्मल मसाले होते हैं, मैंने आधा चम्मच आप हसले जैका कर सकते, और एक चम्मच के करीब मैंने दड़ा, आपको पता है मैं ज़्यादातर दड़ा मिर्च इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि उसके अंदर मैंने ना पिसी शामिल की होती है, और क्या कहते हैं एक चम्मच वो मैंने डाला है, खाने के चम्मच है ये, और आधा चम्मच मैंने हल्दी डाला है, थोड़ा सा मैंने हाथ करके सूखा धनिया डाला है, बस करके सूखा धनिया डाला है बस इतना, और इसके अलावा टमाटर प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट वो डाला है। अब इसको ये सब बनाओ। इसी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को आपने लाइक ला, और जो चैनल पे न्यू है उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, साथ में बेल आइकन होता है उसको लाजमी प्रेस करना है, आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये सारी इफ्तारी है मेरी आपके साथ क्यों शेयर, मैं आपको क्यों नहीं दिखा पा रही हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे कि फ्री व्लॉग कोई इफ्तारी या सहरी की इतनी वीडियो नहीं डाल रही उसकी, कि मेरा बेटा जहाँ शॉप पे काम करता है वो वहीं पे इफ्तारी कर लेता है और सहरी भी, जिस दिन वो घर होता है उस दिन मैं ही बनाती हूँ, वो एक पीछे मेरे हस्बैंड है वो बीमार होते हैं तो वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं, उन्होंने एक रोज़ की तबीयत ख़राब हो गई थी तो इस वजह से पीछे मैं बचती हूँ, मैं रोज़ा रखती थी, और मैंने भी अभी मुझे डॉक्टरों ने मना किया है कि आपने रोज़ा नहीं रखना, अगर आपने रोज़ा रखना है तो दो दिन छोड़ के तीन दिन छोड़ के फिर आपने रोज़ा रखना है, क्योंकि अब हार्ट पेशेंट पानी की कमी की वजह से मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही थी कि मैं उठने बैठने में और चलने में मुझे परेशानी हो रही थी। इसलिए कल फिर मैंने जो आपके साथ वीडियो डाली कि हॉस्पिटल की, तो मैं हॉस्पिटल गई थी अपने डॉक्टर से कंसर्न करने के लिए कि डॉक्टर मुझे क्या कहते हैं, मैं तो मैं रोज़े रख लूँगी, नहीं तो फिर अल्लाह ताला ने हमें आप रोज़ा छोड़ सकते हो, लेकिन मैं फिर भी नहीं छोड़ती हूँ, रख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सही रही तो फिर रखूँगी, वरना फिर दो तीन दिन छोड़ दूंगी और फिर रखूंगी। तो मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, और जिस तरह मैं एक स्ट्रगल कर रही हूँ अपने घर को और अपने लिए एक घर बनाना चाहती हूँ और क्या कहते हैं ना हज उमरा करना चाहती हूँ, तो उस वो ऐसे मुमकिन नहीं है वो आपकी सपोर्ट के बिना, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर और वॉच भी किया करें, कम से कम 3 मिनट दिया करें मुझे, जब आप लोगों की सपोर्ट आप सबकी दवाई मेरे साथ होगी। इस बीमारी के बावजूद मैं आपके साथ हर वीडियो भी शेयर कर भी मैं खड़ी होती हूँ, रेसिपी भी निकलती हूँ, व्लॉग भी बनाती हूँ, इस बीमारी को मैंने हैवी नहीं किया हुआ, अल्लाह ताला ने का शुक्र है लाख लाख, उसने मुझे हले के साथ साथ आप सबकी दवाएँ आप सबका साथ है, तो इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊँगी, उसके लिए ऐसे अकेली कामयाब नहीं हो सकती, आप लोग मुझे फुल सपोर्ट, तो प्लीज़ मुझे फुल सपोर्ट मेरे बच्चों के लिए, तो अगर मेरी ज़िंदगी है तो मैं अपनी ज़िंदगी में अकबरी हज करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए कीजिएगा कि उनको कामयाब करे, बाबरकत महीने के सद, रमज़ान महीने के इबादत कारों के सदके अल्लाह पाक सबकी नेक ख्वाहिशें करे, और हर मुसलमान से पानी डालती हूँ, बनाओ हो गया आपसे बात करते करते, तो चले पानी डाल के पकाते हैं, नहीं नहीं सॉरी पानी डालना, अब मैं इसके अंदर चने की दाल ऐड करके थोड़ा, तो ये देखिए जी चने की दाल मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हुई है, और दाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है जी, फाइनल लुक हमारे दाल कद्दू की, ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार बना है, घी आपको पता है थोड़ा सा आस्ता आस्ता निकलेगा, अभी मैंने चूल्हा बंद किया, ये साइडों पे निकलना शुरू हो गया, ये देखिए, और ये है जी इसकी कुछ कंडीशन, आप देख सकते हैं मैंने हल्का से शोरबे वाला बनाया, बहुत मज़े का लगता है माशाल्लाह, आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ये देखिए मैं दूर करके दिखाती हूँ कितना मज़ेदार माशाल्लाह,
तो ये देखें जी, अब टाइम नहीं रह गया, रोज़ा खुलने वाला है, बस चंद सेकंड रह गए। और मुझे तो रोटी के बगैर बिल्कुल सब्र नहीं आता, जितनी मर्ज़ी अल्लाह ताला की नेमतें हों, रोटी की नेमत है वो तो बगैर कोई नहीं ले सकता। तो यहाँ पे मैंने इसके ये बन गई हमारे शामी, और ये जो लास्ट में बचा था इस फ्रिया के लिए, इसके ऊपर मैंने ये अंडा ज़्यादा लगा। यहाँ पे शिकवंजी है हमारे पास, और हम तीन बंदे हैं बस, मैं और फ्रिया उसके पापा हैं। और ये जो गिलास है, इधर करें, इस गिलास में जब तक मैं पानी नहीं पीती हूँ ना, इसमें मुझे सब्र नहीं आता, ठीक है। ये मैं गिलास लाजमी साथ रखती हूँ। और ये थी जी आज की हमारी छठे रोज़ की इफ्तारी, और इसके साथ मैंने ये तैयार किया है रायता। और ये रायता आप देखें, इसमें मैंने डाला है जी हरी चटनी जो मैंने उस दिन बनाई थी, और साथ में खीरा है, साथ में टमाटर है थोड़ा सा, और प्याज है, ये मैंने डाला है। अच्छा जी, ये फ्रिया अपना गिलास भी ले आई, ये फ्रिया का गिलास भी आ गया जी, आप लोगों ने वीडियो में देखा हुआ। तो ये थी जी हमारी आज की इफ्तारी। तो इंशाल्लाह मैं ना आपसे रोज़ा खोल लूँ, बिल्कुल चंद सेकंड रह गए, तो मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोज़ा इफ्तार करके नमाज पढ़ी है पहले, फिर बर्तन धोए, फिर उसके बाद मैंने बनाई है चाय। ये देखिए, ये मेरी चाय है, और मैं गर्मियों में चाय नहीं पीती हूँ। और आज मैं चाय, तो ये दुपट्टा भी ना मेरा सर पर नहीं टिकते हैं, ये पता नहीं शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, सर पर टिकते नहीं है। तो मैंने वज़ू तो उस नमाज उस दुपट्टे के साथ पढ़ी थी, फिर ये मैंने ले लिया। तो बात हम कर रहे थे चाय की, गर्मियों में मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज मैंने चाय इसलिए पी कि आज मैं अपनी मेडिसिन लेके आई थी, तभी मैं अपनी मेडिसिन खाऊंगी, तो उसके साथ चाय मैं इसलिए पी रही हूँ। डॉक्टरों ने तो दूध वगैरह कहा, लेकिन दूध तो मैं पीती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने फिर दूध के अंदर पत्ती डाल के तो चाय बना ली। तो और क्या कहते हैं ना, अच्छा रोज़ा इफ्तार करने के बाद ऐसे एकदम ना जिस्म में जैसे हिम्मत ख़त्म हो जाती है, ऐसा हो जाता है बंदे के साथ। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 का, तो बस इसके बाद इशा की नमाज का टाइम हो जाएगा। तो मैं अब आपसे यहीं पे चाहूँगी इजाज़त, व्लॉग का करूँगी एंड। आपने देखा, और आज आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ा होगा, मेरी वीडियो शुरू में बहुत ज़्यादा बुरी बनी है। तो मैं इंशाल्लाह अपने हस्बैंड को अभी भी मैंने बोला, मैंने कहा आप मुझे किचन में ना एक और लाइट लगा के दें, इस लाइट की कोई रोशनी नहीं, और मोबाइल की भी लाइट कितना रोशनी देगी। तो अब ये कह रहे हैं कि मैं ना आप, तो मैं लगा दूँगा इंशाल्लाह, जल्द लगा दूँगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी और मेरी क्या कहते हैं ना चीज़ें किचन में पड़ी हुई नज़र आया करेंगी। तो हमें याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ध्यान रखिएगा, अपने आसपास ध्यान रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब की नमाज़ें और रोज़े और हम जितनी इबादत करें, अल्लाह पाक हम सब की कबूल करें, आमीन सुम आमीन। और वो खुश नसीब है जिनको ये साल नसीब हुआ, और हम, मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे इतनी ज़िंदगी बख्शी, तंदरुस्ती बख्शी कि मैं इस साल फिर रोज़े रख पा रही हूँ। क्योंकि रोज़े तो ताक़यामत तक आते रहेंगे, हम में से कोई होगा कोई नहीं होगा। तो फुल सपोर्ट किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट जैसे देते ऐसे ही दिया करें, सपोर्ट रखा करें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।